जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जवान कबीरदास उइके शहीद हो गए। मंगलवार रात 8 बजे कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ। इसमें सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीरदास गोली लगने से घायल हो गए थे। बुधवार सुबह वे शहीद हो गए। 35 साल के कबीरदास छिंदवाड़ा की बछुआ तहसील के पुलपुल दोह के रहने वाले थे। 2011 में उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। परिवार में माँ इंदरवती उइके, पत्नी ममता उइके और छोटा भाई के साथ 2 बहन हैं जिनकी शादी हो चुकी है। पिता का निधन हो चुका है। सीआरपीएफ कांस्टेबल कबीर का अंतिम संस्कार गुरुवार को पैतृक गांव पुलपुल दो में होगा। शव विशेष वाहन से नागपुर से गांव लाया जाएगा। माँ ने बताया कि 8 दिन पहले ही 20 दिन की छुट्टी के बाद वे ड्यूटी पर लौटे थे। उनकी पोस्टिंग भोपाल में होने वाली थी। शहीद हुए कबीर 4 भाई बहन में सबसे बड़े थे। उनके छोटे भाई खेती करते हैं, अभी शादी नहीं हुई। मुख्य तौर पर कबीर की सैलरी पर पूरा परिवार आश्रित रहता था। परिवार के पास करीब 6 एकड़ की खेती है। जवान के शहीद होने की खबर पर परिवार में शोक छा गया है। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और महापौर विक्रम आहा के शहीद के घर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र खटुआ के डिप्टी कमिश्नर राकेश मिन्हास और एसएसपी कठुआ अनायत अली चौधरी के संपर्क में हूँ। जिस घर पर हमला हुआ था उसका मालिक, नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा, भी मोबाइल फ़ोन पर संपर्क में है। संयुक्त पुलिस और अर्धसैनिक अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में 3 आतंकी घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना रविवार को जम्मू संभाग रियासी जिले में हुई थी, जहां आतंकवादियों ने एक बस पर हमला किया था। मंगलवार को कठुआ जिले में आतंकियों ने सीआरपीएफ पर हमला किया था, जिसमें एक ग्रामीण भी घायल हो गया था। क्रॉस फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया और दूसरे की तलाश जारी है। 3 दिन में 3 आतंकी हमला होना बहुत ही बड़ा विषय है और हमारी इंटेलिजेंस पर भी कई सवाल इस कारण से उठ रहे हैं, लेकिन उसका भी समय आएगा। हम इस वीडियो के ज़रिए पहले छिंदवाड़ा के लाल जवान कबीरदास उइके को सलाम करते हैं और आईबीसी की डिजिटल टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं।